अजमेर से बड़ी खबर, डकैत धन सिंह ने आत्मसमर्पण किया है। अजमेर न्यायालय में समर्पण उन्होंने किया है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। विजयनगर थाने में दर्ज फिरौती के मामले में फरार चल रहा था, पुलिस के दबाव के बाद न्यायालय में उन्होंने समर्पण कर दिया है। विजयनगर क्षेत्र में व्यापारी से फिरौती की मांग इसने की थी। इसी दौरान फायरिंग की भी घटना सामने आई थी। डकैत धन सिंह ने फायरिंग भी की थी, फिरौती की मांग की थी, और इसके अलावा भी अगर हिस्ट्री खंगाली जाए तो कई आपराधिक मामले इस डकैत पर दर्ज है। फिलहाल पुलिस का दबाव भी था और भविष्य भी वो जानता था कि आखिर डकैत का भविष्य होगा क्या। फिलहाल समर्पण कर दिया है। विजयनगर थाने में दर्ज फिरौती के मामले में फरार चल रहा था, तस्वीरें अजमेर से आपको दिखा रहे हैं। डकैत धन सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया है, अजमेर न्यायालय में समर्पण किया गया है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। विजयनगर थाने में दर्ज फिरौती के मामले में फरार चल रहा था, खुद आकर उसने आत्मसमर्पण किया है। लगातार तलाशी भी चल रही थी इसकी कि जल्द से जल्द इसे दस्तयाब किया जाए, लेकिन फिलहाल धरा गया क्योंकि खुद आकर इसने आत्मसमर्पण किया है। डकैत धन से जुड़ा ये बड़ी अपडेट आप तक बता रहे हैं, बड़ी खबर आप तक बता रहे हैं। डकैत धन सिंह से जुड़ी हुई अजमेर न्यायालय में समर्पण किया गया है, उस वक्त की तस्वीरें जब आकर इसने खुद समर्पण किया, और अब आगे की कार्रवाई जारी रहेगी क्योंकि समर्पण किया है, अब उसी आधार पर आगे का प्रोसेस चलेगा। विजयनगर क्षेत्र में व्यापारी से फिरौती की मांग की थी, फायरिंग की घटना भी सामने आई थी। शुभम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। शुभम, अब खुद आकर इसने समर्पण किया, हालांकि पुलिस का दबाव था, लेकिन अब आगे के प्रोसेस के बारे में जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए जो धन सिंह डकैत है ये काफी कुख्यात अपराधी था और काफी मामलों के अंदर ये फरार चल रहा था। कुछ मामलों में जमानत पर आया था, पूर्व में भी इसको कई हथियारों के हाथ पकड़ा गया था, पूर्व में भी इसने एक जो है फायरिंग के मामले में इसको लिप्त माना गया था, जिसके बाद से एक मामला जो विजयनगर जो केकड़ी क्षेत्र का है वहां पर इसने एक बार फायरिंग करने का मामले के आरोप लगे थे, जिसके अंदर तीन आरोपी पूर्व में गिरफ्तार हो चुके हैं, चौथा ये फरार चल रहा था। इसके बाद न्यायालय के अंदर जो धन सिंह डकैत है इसकी पत्नी ने भी गुहार लगाई थी, क्योंकि पुलिस के द्वारा बार बार ये कहा जा रहा था या तो उसका पता बताए, नहीं तो हो सकता है कि अगर वो आगे जाकर के अगर पकड़ा जाता है तो उसका एनकाउंटर भी हो सकता है, क्योंकि उसके पास हथियार भी बताए जा रहे थे, जिसको लेकर के पत्नी ने न्यायालय में गुहार लगाई थी। और उसके बाद आज न्यायालय के अंदर ही आत्मसमर्पण किया है। अब हो सकता है कि पुलिस उसकी गिरफ्तारी करेगी और जिस मामले में ये लिप्त है उन मामलों में इसको आगे के लिए पड़ताल की जाएगी। हालांकि अभी न्यायालय ने इसको पुलिस के हवाले किया है, क्योंकि केकड़ी थाने का मामला है तो केकड़ी थाना पुलिस पहुंची है और इसको गिरफ्तार किया जाएगा। और भी कई जो मामले इसके खिलाफ चल रहे हैं उनमें भी अब आगे की तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शुभम इस जानकारी के लिए।